నిన్న జరిగిన ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్ ప్రెస్ మీట్కు కాంగ్రెస్ నాయకులు కౌంటర్ ఇచ్చారు. అవినీతిమయమైన ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్ జహీర్ రంజాని ఒక తెలివిలేని మాటలు మాట్లాడుతున్నారని, మట్కా జూదం ఆడేవారి కన్నా అన్యాయంగా విచక్షణ రహితంగా మాట్లాడారని ఆదిలాబాద్ టౌన్ మెజార్టీ అధ్యక్షుడు షకీల్ పేర్కొన్నారు. అవినీతి గురించి నువ్వు చేసినావు, ఎమ్మెల్యేలకు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్లకు ఇన్ని షాప్స్ కావాలని అల్లా ఉండే నివాసమైన ఐషా మస్జిద్లో కూర్చొని వెజిటేబుల్స్ ఏజెంట్స్ తోటి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్కు ఇన్ని కావాలి, ఎమ్మెల్యేలకు ఇన్ని షాప్స్ కావాలి అని, టీఆర్ఎస్ నాయకులకు ఇన్ని షాప్స్ కావాలని పూర్తి విషయాలు ఆడియో వీడియోలతో సహా మా నాయకుల దగ్గర ఉన్నాయి. అలాగే మా నాయకుడు సాజిద్ ఖాన్కు క్షమాపణ చెప్పాలని ఆదిలాబాద్ ఎస్సీసెల్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్, ఆదిలాబాద్ టౌన్ మైనార్టీ ప్రెసిడెంట్ షకీల్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అశోక్, అజీజ్, కరీం, మోసిన్ పటేల్, కలీం పటేల్, రసూల్, జిలానీ, పండిట్జీ, జావీర్, ఖుర్షీద్, నగేష్ ఈ కార్యక్రమంలో తదితరులు పాల్గొన్నారు. అస్సలాము అలైకుం. మై సాజిద్ ఖాన్ బాత్ కర్ రహా హూం, కాంగ్రెస్ లీడర్ హఫీజ్ భాయ్. అస్సలాము అలైకుం భాయ్. ఖైరియత్ హఫీజ్ భాయ్? बस दुआ नाइस सर्विस कर रही वहाँ पे. पहली बात तो ऐसा नहीं, वहाँ पे 20-25 दुकान तो लीडर के रिजर्वेशन हो गए वहाँ पे. हाँ ओके. हाँ अच्छा, वो तो आप 20-25 दुकान में इन तरकारी बेचेंगे बोलो लीडर? उसमें अब किसु किसु जैसे कि इनू साहब के और तुम्हारे वाइस चेयरमैन साहब के, एमएलए साहब के, चेयरमैन साहब के वो दुकान उनके तो रिजर्वेशन हो गए पहली बात तो. अच्छा हाँ, तरकारी इन लोग आज बेचेंगे क्या? आप तरकारी वाले तरकारी छोड़ के 25 दुकान उनके बोले तो हकदारा कहाँ जाना भाई? जाहिर साहब बोल रहे थे वो 20-25 दुकान तो 4-5 लीटर की है बोलने लगे. अच्छा, एमपी का ने से जना लेटर लेके आया दो दुकान होना बोल के. हाँ ये तरकारी वाले तो किधर गए कि भाई साहिद भाई? हाँ हाँ, वो उनके चल रहे, आपना चल रहे, वो चल रहे, ये चल रहे. बोला हम तो क्या तक देखेंगे, वो बोला पहले उनको देखो बाद में अपने को देखेंगे. आदिलाबाद कांग्रेस कमेटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्ते. कल मुंसिपल के वाइस चेयरमैन साहब ने एक मटका फेंकते सो आदमी भी वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे कांग्रेस जिला इंचार्ज सदर के ऊपर, साजिद खान के ऊपर बेबुनियाद बाता कहकर. मैं वाइस चेयरमैन साहब को यह पूछना चाहता हूं, आप विजिटेबल एजेंट से आयशा मस्जिद में एमएलए को थोड़े छापा और म्युनिसिपल चेयरमैन को थोड़े छापा और टीआरएस लीडर्स को थोड़े छापा होना बोल के आप मस्जिद में बोले. हम बोले बोलकर हमारे कने ऑडियोस है, वीडियोस है. अगर आप ये तय करो कि आदिलाबाद आप छोड़ के जाते या हमारे लीडर साजिद खान साहब छोड़ के जाते, आप मस्जिद में आकर जो हमारे से बोले सो लोग भी आपके मस्जिद में आप बोले सो बात आगे वही पूछताछ करेंगे, वही मस्जिद में पूछताछ करेंगे. अगर हम वादा करते आपसे वही मस्जिद में वही लोग आकर बोलते, वही ऑडियो वीडियो हम बताते. अब ये तय करो, अब या आप आदिलाबाद छोड़ते या हम छोड़ना. आपको ये बात नजर में आना कि आप होदा में रहकर हमको ये पता नहीं आपके एमएलए मंगे या नहीं मंगे, आपके चेयरमैन मंगे या नहीं मंगे, लेकिन आपके लफ्ज आप बोले बोलकर मस्जिद में बोले बोलकर हमारे कने ऑडियो वीडियो से
और जो कल थोड़े जने वेजिटेबल मार्केट वाले जो बात बोले, वो वेजिटेबल मार्केट में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, उन्होंने कामान लोगा है। आपसे और एक बात बोलते हैं, आप आदिलाबाद के डेवलपमेंट के बारे में हम ये कहते हैं कि आपके जोगुरामन एमएलए साहब यापलगुड़ा को दत्ता लिए कहते, फिर यापलगुड़ा का जातोगत ब्रिज हो गया, रेलवे ब्रिज हो गया, सीसीए चालू कराए, सोचो थोड़ा, डबल बेडरूम दिए तकरीबन 12-13 साल चल रहा, 5 साल मिनिस्ट्री करे आपके टीआरएस के लोग, आदिलाबाद डेवलप हुआ, हम ले जाके मट्टी डाले तो दूसरे दिन ही काम चालू हुआ। काम करने का ढंग हमारे से सीख रहे ना तुम, आप सोच समझ कर बात करो, एक छोटे आदमी के सर का नको बात करो। आपको अल्लाह ताला वाइस चेयरमैन बनाया, वो वाइस चेयरमैन होदा से बात करो। और रहा सवाल आपसे, हमारे साजिद खान साहब कोरोना के टाइम पे जो मरकज जाके आदिलाबाद आते थे, कईयों अपने मुसलमान भाइयों को क्वारंटाइन में डाले तो उनकी हालत क्या थी तुम्हारे को नहीं मालूम?